हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गो एग्रो। सो फ्रेंड्स, टुडेस लेक्चर इज़ ऑन वीड मैनेजमेंट। ये वीड मैनेजमेंट का थर्ड लेक्चर है। इससे पहले मैंने वीड मैनेजमेंट के और भी लेक्चर्स लिए थे। वीड मैनेजमेंट बेसिक्स, द क्लासिफिकेशन एंड नेचर ऑफ वीड क्रॉप कॉम्पिटिशन पर, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर का टॉपिक है प्रोपगेशन एंड डिस्पर्सल ऑफ वीड्स। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं कि वीड्स कैसे प्रोपगेट करते हैं एंड प्रोपगेशन के बाद उनका डिस्पर्सल कैसे होता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। सबसे फर्स्ट टॉपिक है प्रोपगेशन ऑफ वीड्स। जैसा कि हम जानते हैं, वीड्स का प्रोपगेशन टू टाइप से होता है, सेक्सुअल प्रोपगेशन एंड एसेक्सुअल प्रोपगेशन। एसेक्सुअल प्रोपगेशन को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी बोलते हैं। सो जैसा कि हम जानते हैं, सेक्सुअल प्रोपगेशन सीड से होता है एंड एसेक्सुअल प्रोपगेशन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन वेजिटेटिव पार्ट से होता है, जिन्हें हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं। सो फर्स्ट हम पढ़ेंगे सेक्सुअल प्रोपगेशन, दैट इज प्रोपगेशन थ्रू सीड्स। सो जैसा कि यहाँ पर दिया है, मेजॉरिटी ऑफ वीट सीड्स जो रिप्रोड्यूस करते हैं वो सीड फॉर्मेशन से करते हैं। मीन्स मेजॉरिटी ऑफ वीट्स में प्रोपगेशन सेक्सुअल टाइप का होता है और ये पर्टिकुलरली एनुअल एंड बाइनियल्स में होता है। मीन्स जिनका लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 1 ईयर लगता है, या फिर जिनके लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 1 सीज़न से ज़्यादा का टाइम पीरियड लगता है, डैट इज़ 2 सीज़न। इन्हें हम बाइनियल स्पीशीज बोलते हैं। और ये प्लांट्स हर सीज़न में एक प्लांट थाउजेंड्स ऑफ सीड को प्रोड्यूस करता है। मीन्स जब इन प्लांट्स का वेजिटेटिव फेस कंप्लीट होता है, तब ये सीड को प्रोड्यूस करते हैं। एंड इनमें से हर एक प्लांट हर एक सीज़न में थाउजेंड्स ऑफ सीड्स प्रोड्यूस करता है, और ये जो सीड्स का नंबर है वो वीड स्पीशीज में वेरी करता है। इसके बाद अगर हम पेरिनियल स्पीशीज की बात करें, मींस ऐसी स्पीशीज जिनको अपने लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए 2 ईयर से ज़्यादा का टाइम पीरियड लगता है, उन्हें हम पेरिनियल स्पीशीज़ बोलते हैं। सो ये पेरिनियल स्पीशीज़ जो सीड का प्रोडक्शन करते हैं, वो एक लिमिटेड वे में करते हैं, जैसे कि साइप्रस रोटुंडस एंड साइनेडोन डेक्टाइलोन। यहाँ पर इनका एग्जांपल दिया है। सो ये वीड्स जो सीड प्रोड्यूस करते हैं वो हैं 40 to 170 सीड्स पर प्लांट। मीन्स एज कम्पेयर टू एनुअल एंड बाइनियल्स, इनका सीड प्रोडक्शन लो होता है। बट अगेन देयर आर सम एक्सेप्शंस, जैसे कि कुछ पेरिनियल सीड्स हैं सॉर्गम हेलीपेंस एंड सेकेरम स्पॉन्टेनियम। इनमें भी एवरी ईयर पर प्लांट थाउजेंड ऑफ सीड्स का प्रोडक्शन होता है, जैसा कि एनुअल्स एंड बाइनियल्स में हो रहा था। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि एक अनडिस्टर्ब फील्ड, मीन्स जहाँ पर टीलेज नहीं हुआ है, वहाँ पर जो वीड्स के सीड्स होते हैं वो ग्राउंड लेवल पे होते हैं। मीन्स वो टॉप के 1 सेंटीमीटर सॉइल लेयर में प्रेजेंट होते हैं। लेकिन वहीं अगर हम कन्वेंशनल फार्मिंग की बात करें, तो कन्वेंशनल फार्मिंग में टीलेज होता है, तो वहाँ पर सीड्स कुछ लेयर्स तक मिलते हैं, जैसे कि उस केस में वीट के सीड्स 30 सेंटीमीटर डीप तक भी मिलते हैं। और ये वीट सीड्स 30 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा डीप चले जाते हैं थ्रू द सॉइल क्रेवाइसिस। इसके बाद यहाँ पर एग्जांपल दिया है कोमेलिना बेंगेलेंसिस का। कोमेलिना बेंगेलेंसिस ये एक वीट का एग्जांपल है, जो कि डायरेक्टली सीड्स को सॉइल के अंदर रिलीज करते हैं। मीन्स कोमेलिना बेंगेलेंसिस का जो फ्लावर होता है वो बोथ एरियल और अंडरग्राउंड होता है। मीन्स ये फ्लावर
सॉइल के अंदर भी प्रेजेंट होता है एंड सॉइल के बाहर भी होता है एंड ये फ्लावर मैच्योर होकर सीड्स प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सीड्स वायबिलिटी, मींस सीड्स डिस्पर्स होने के बाद कितने टाइम तक उनकी वायबिलिटी होती है, मतलब कि कब तक वो सीड लिविंग रहता है और उसमें कब तक जर्मिनेट करने की कैपेसिटी होती है। सो ये वायबिलिटी पीरियड वीड स्पीशीज़ में वेरी करता है, लेकिन एक एवरेज वायबिलिटी पीरियड दिया है यहाँ पर सॉइल का 2 to 25 years। इसके बाद यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि र्यूमेक्स स्पीशीज़। र्यूमेक्स स्पीशीज़ के जो सीड्स हैं उनका जर्मिनेशन परसेंटेज होता है 63 to 90% और इनका वायबिलिटी पीरियड होता है 2 to 7 years। इसके बाद दूसरे स्पीशीज़ हैं जैसे कि इकाइनोक्लोआ, पोआ एंड चिनोपोडियम स्पीशीज़। इनका जर्मिनेशन 25 इयर्स के बाद भी पॉसिबल है। नेक्स्ट पॉइंट है वीट सीड्स का साइज और शेप काफ़ी वेरी करता है, इसके अलावा इनकी वायबिलिटी भी। जैसे कि कुछ वीट्स जस्ट हार्वेस्टिंग के बाद ही जर्मिनेट कर सकती हैं, लेकिन कुछ ऐसे वीट्स होते हैं जो हार्वेस्ट करने के बाद डोरमेंसी पीरियड के अंदर चले जाते हैं। इनका डोरमेंसी पीरियड वेरी करता है, वो डोरमेंसी पीरियड शॉर्ट टाइम के लिए भी हो सकता है एंड लॉन्ग पीरियड के लिए भी हो सकता है। यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जैसे कि दतूरा, फाइसेलिया एंड सेटारिया स्पीशीज़। लेकिन कुछ ऐसे सीड्स जिनका डोरमेंसी पीरियड नहीं होता है, जिन्हें हम नॉन डोरमेंट वीट सीड्स बोलते हैं, उनका जर्मिनेशन बिहेवियर भी डिफरेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हैं इल्यूसिन एंड बाइडेंस स्पीशीज़ की जो वीड है उनका जर्मिनेशन परसेंटेज होता है 60%। लेकिन वहीं अगर हम बात करें साइप्रस रोटुंडस एंड साइनेडोन डेक्टाइलोन की तो उनका जर्मिनेशन परसेंटेज होता है 0 and 6%। सो इसे हम ऐसे समझ सकते हैं कि नेचर के अंदर जो वीट्स के सीड्स हैं वो वेट करते हैं फेवरेबल एनवायरनमेंट का। जब उन्हें एक फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलता है जैसे कि सॉइल टेम्परेचर एंड मॉइस्चर, उसके बाद वो जर्मिनेट करते हैं एंड अगेन सीड प्रोड्यूस करते हैं। वहीं अगर हम बात करें जो वीट सीड्स टॉप लेयर के ऊपर होते हैं सॉइल के, जैसे कि 1 to 2.5 centimeter के, वो इजीली जर्मिनेट हो जाते हैं। लेकिन जो वीट सीड्स डीप लेयर में होते हैं वो ज़्यादातर डोरमेंसी पीरियड में चले जाते हैं और हम बोल सकते हैं कि उनका डोरमेंसी पीरियड लार्ज होता है। लेकिन कुछ ऐसी वीट सीड्स जिनका साइज बड़ा होता है और जिनका लार्ज साइज होता है, जैसे कि ज़ैंथियम स्ट्रूमेरियम एंड सोलेनम नाइग्रम, इनके सीड्स डेप्थ में जाने के बाद भी जर्मिनेट कर सकते हैं। जैसे कि इनके सीड्स 10 सेंटीमीटर में जाने के बाद भी इनका जर्मिनेशन इजीली हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर मैंने एक टेबल दी है जिसमें अलग अलग वीड स्पीशीज़ का एवरेज नंबर ऑफ सीड प्रोडक्शन दिया है एंड उनका जर्मिनेशन परसेंटेज भी दिया है। जैसे कि फर्स्ट स्पीशीज़ है एमेरेंथस स्पीशीज़, ये पर प्लांट एवरेज नंबर ऑफ सीड्स का जो प्रोडक्शन करता है वो है 1,96,000। नेक्स्ट है चिनोपोडियम एल्बम। चिनोपोडियम एल्बम पर प्लांट 72,000 नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस करता है। इसके बाद थर्ड एग्जांपल है कस्कुट्टा स्पीशीज। कस्कुट्टा स्पीशीज 16,000 सीड्स पर प्लांट प्रोड्यूस करती हैं। नेक्स्ट है साइनेडोन डेक्टाइलोन। साइनेडोन डेक्टाइलोन 170 सीड्स पर प्लांट प्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट है साइप्रस रोटुंडस। साइप्रस रोटुंडस 820 नंबर ऑफ सीड्स प्रोड्यूस करते हैं पर प्लांट
एंड इनका जर्मिनेशन परसेंटेज मीन्स इमीडिएटली इनका जर्मिनेशन परसेंटेज ज़ीरो होता है, जबकि साइनेडोन टेक्टाइलोन में इमीडिएट जर्मिनेशन परसेंटेज होता है 6%। नेक्स्ट एग्जांपल है दतूरा स्ट्रूमेनियम। ये 13,900 सीड्स पर प्लांट प्रोड्यूस करते हैं एंड इनका इमीडिएट जर्मिनेशन परसेंटेज होता है 5। सो ये था सेक्सुअल प्रोपगेशन ऑफ वीड्स। इसके बाद सेकेंड टाइप है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में जिन वेजिटेटिव पार्ट्स का यूज़ होता है उन्हें हम वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स बोलते हैं। सो वेजिटेटिव प्रोपगेशन में या तो स्टेम का पार्ट या तो रूट फ्रैगमेंट्स ग्रो करके न्यू प्लांट्स को प्रोड्यूस करता है। इसके अलावा वीड्स कुछ स्पेसिफिक वेजिटेटिव ऑर्गन्स को मॉडिफाई करती है जो कि प्रोपगेशन करने में हेल्प करता है, और ये वेजिटेटिव ऑर्गन्स अंडरग्राउंड भी हो सकते हैं एंड सॉइल के अबव भी हो सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि ये मॉडिफिकेशंस होते हैं राइजोम की फॉर्म में रूट स्टॉक्स, रनर्स, स्टोलॉन्स, सकर्स, ऑफसेट, टन ट्यूबर्स, बल्ब्स एंड बुलबिल की फॉर्म में, एंड कलेक्टिवली हम इन सभी को बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स। जनरली ये वेजिटेटिव प्रोपेगेशन पेरिनियल वीड्स का फीचर है। सो अलग अलग वीड्स में डिफरेंट प्रोपेग्यूल्स के साथ प्रोपेगेशन होता है। जैसे कि यहाँ पर फर्स्ट है राइजोम्स। राइजोम्स का एग्जांपल है बरमूडा ग्रास, जिसे हम साइनेडोन डेक्टाइलोन बोलते हैं। सो राइजोम्स मॉडिफाइड स्टेम है। सो ये राइजोम्स सॉइल के अंदर एक डेंस नेटवर्क प्रिपेयर करता है, और ये डेंस नेटवर्क सॉइल की प्लाउ लेयर तक भी हो सकता है एंड डीपर लेयर तक भी हो सकता है। जैसे कि ये राइजोम्स साइनेडोन डेक्टाइलोन के अंदर प्लाउ लेयर तक होता है, जबकि टाइगर ग्रास, सेकेरम स्पॉन्टेनियम एंड सॉर्गम हेलिपेंस के अंदर ये सॉइल के डीप तक होता है। सो जैसा कि यहाँ पर राइजोम्स का पिक्चर दिया है साइनेडोन डेक्टाइलोन का, यहाँ पर ये एक डेंस नेटवर्क फॉर्म करती है। नाउ सेकेंड है ट्यूबर्स। ट्यूबर्स का एग्जांपल है पर्पल नट सेट्स, जिसे हम साइप्रस रोटुंडस बोलते हैं। दिस इज ऑल्सो अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। यहाँ पर जो राइजोम्स के एंड होते हैं वो स्वॉलन होते हैं, जैसा कि हम यहाँ पर पिक्चर में देख सकते हैं। यहाँ पर पिक्चर साइप्रस रोटुंडस का दिया है, जिसकी रूट्स में हमें यहाँ पर स्वॉलन एंड्स दिख रहे हैं। नाउ थर्ड है ऑफसेट। ऑफसेट एक्वेटिक वीड के अंदर मिलता है, जैसे कि वाटर हाइसिंथ, आइकॉर्निया क्रेसिपस। इसके अलावा ये हाइड्रीला स्पीशीज़ के अंदर भी मिलता है। हाइड्रीला स्पीशीज़ में एरियल बर्ड्स मिलती है, जिसे हम ट्यूरियंस बोलते हैं। सो यहाँ पर वाटर हाइसिंथ का पिक्चर दिया है। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं यहाँ पर स्वॉलन एंड्स हैं, जिसे हम ऑफसेट्स बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट है रनर्स। रनर्स स्टेम होती है जो कि ग्राउंड के अंदर हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है। इसमें नोड्स प्रेजेंट होते हैं, मींस इसमें जो बर्ड्स होती है वो नोड्स को फॉर्म करती है, जो कि बाद में डेवलप होके रूट्स एंड शूट्स का फॉर्मेशन करती है एंड जिससे न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। रनर्स का यहाँ पर एग्जांपल दिया है साइनेडोन डेक्टाइलोन। यहाँ पर साइनेडोन डेक्टाइलोन का पिक्चर दिया है। जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर ये जो स्टेम है वो हॉरिजॉन्टली ग्राउंड में ग्रो कर रहा है। नाउ नेक्स्ट है सकर्स।
सकर ग्राउंड में इमर्ज होने से पहले ट्रेल करती है एंड सकर्स का यहाँ पर एग्जांपल दिया है हॉकवीड। सो यहाँ पर हमने कुछ वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स के एग्जांपल पढ़े। इसके बाद हम यहाँ पर कुछ और भी एग्जांपल्स देखते हैं जैसे कि कसकुटा एंड ओपनशिया का। इनके अंदर प्रोपगेशन होता है डिटेच्ड स्टेम से, मींस इनके अंदर जो डिटेच्ड स्टेम होता है वो एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा अगर हम बाइंडवीट की बात करें, दैट इज कॉन्वोल्व्यूलस अरवेंसिस, सो इनके अंदर प्रोपगेशन होता है हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल रूट सिस्टम से। सो यहाँ पर हमने जो एग्जांपल्स पढ़े थे वो थे पेरेनियल वीड्स के। इसके बाद अगेन यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स और एक्सेप्शंस दिए हैं एनुअल वीड्स के। एनुअल वीड्स के अंदर भी वेजिटेटिव प्रोपगेशन मैकेनिज्म होता है, जैसे कि इसके एग्जांपल है पार्थीनियम, कैरेट ग्रास, दैट इज नेक्स्ट इज लेंटिना कैमेरा। इन प्लांट्स को हम जब ग्राउंड लेवल से कट करते हैं तब इनकी जो क्राउन बर्ड्स होती हैं वो एक न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करती हैं। सो ये थे वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के एग्जांपल्स। सो इसके बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर पढ़ने वाले हैं वो होगा वीड कंट्रोल एंड वीड मैनेजमेंट पर। सो उसको पढ़ने से पहले यहाँ पर हमको समझना पड़ेगा कि जिस वीड्स के अंदर वेजिटेटिव प्रोपगेशन मैकेनिज्म होता है उन्हें कंट्रोल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि इनके अंदर जो प्रोपेग्यूल्स होते हैं वो सॉइल की डेप्थ में एट 100 सेंटीमीटर्स तक भी प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम डीप टीलेज से भी नहीं हटा सकते हैं। जबकि अगर हम कोई हर्बिसाइड्स यूज़ करें तो उससे भी वो वीड्स की रूट नहीं हट सकती है, इसीलिए यहाँ पर इन्हें कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। ऐसी वीड्स जिनकी शैलो रूट्स होती हैं और जिनमें राइजोम्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम फिर भी कंट्रोल कर सकते हैं और उसे डिसेमिनेट होने से रोक सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी वीड्स जिनमें डीप रूट सिस्टम होता है उन्हें कंट्रोल करना डिफ़िकल्ट हो जाता है, उन्हें हम हर्बिसाइड से भी कंट्रोल करना मुश्किल होता है। नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट प्रोपगेशन ऑफ वीड्स। ये इस लेक्चर का फर्स्ट टॉपिक था। इसके बाद इस लेक्चर का सेकेंड टॉपिक है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स। सो डिस्पर्सल का मीनिंग होता है मूवमेंट ऑफ वीट सीड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर। सो वीट सीड्स एंड वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स का डिस्पर्सल फास्ट होता है, इसीलिए हम बोल सकते हैं कि हमें अपनी सराउंडिंग्स में वीट का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा दिखाई देता है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ फैक्टर्स दिए हैं जिसकी वजह से वीट सीड्स का डिस्पर्सल होता है। यहाँ पर फर्स्ट फैक्टर है विंड, सेकंड इज डिस्पर्सल बाय वाटर, थर्ड डिस्पर्सल बाय एनिमल्स, फोर्थ है डिस्पर्सल बाय मैन एंड फिफ्थ है डिस्पर्सल बाय मैन्योर एंड सिलेज। नाउ द फर्स्ट वन इज डिस्पर्सल बाय विंड। सो यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि वीड्स में विंड की वजह से कैसे डिस्पर्सल होता है। सो विंड की वजह से डिस्पर्सल होने के लिए कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं वीड्स के अंदर जो इन्हें इजीली मूव करने के लिए हेल्प करता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं लाइट इन वीट, वीट सीड्स का वेट कम होता है इसीलिए ये विंड के साथ एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते हैं। नाउ फर्स्ट है पेपर्स। पेपर्स एक पैराशूट लाइक मॉडिफिकेशन है परसिस्टेंट कैलिक्स का हेयर्स की फॉर्म में, जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं। इसका एग्जांपल है एस्टरेसी वीट्स।
जैसा कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ पर परसिस्टेंट कैलिक्स पैराशूट लाइक मॉडिफिकेशन हो चुका है और ये कुछ हेयर्स लाइक दिखता है, इसीलिए विंड की वजह से ये इजीली मूव कर जाता है। नाउ सेकंड मॉडिफिकेशन है कॉस्मोस। यहाँ पर वीट सीड्स कुछ स्पेशल हेयर से कवर होता है, जैसे कि ये मिलता है कैलोट्रोपिस स्पीशीज के अंदर। यहाँ पर इसका पिक्चर दिया है, यहाँ पे वीट सीड्स कवर्ड हैं। नाउ थर्ड मॉडिफिकेशन है परसिस्टेंट स्टाइल। यहाँ पर सीड्स के अंदर जो परसिस्टेंट स्टाइल होता है वो फेदरी टाइप का होता है, एंड इसका एग्जांपल है ग्राउंड चेरी एंड एनोमोन स्पीशीज। यहाँ पर जो पिक्चर दिया है वो है एनीमोन स्पीशीज का। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, इस पिक्चर के अंदर ये परसिस्टेंट स्टाइल फेदरी है और ये इजीली वन प्लेस टू अनदर मूव कर जाता है। नाउ फोर्थ मॉडिफिकेशन है बलून। यहाँ पर फ्रूट के बाहर एक पेपरी कैलिक्स मिलता है जो कि उस फ्रूट को कवर कर लेता है, एंड ये मिलता है फाइसेलियस मिनिमा के अंदर। इसका यहाँ पर स्ट्रक्चर दिया है, यहाँ पर फ्रूट को एक पेपरी कैलिक्स ने कवर किया हुआ है। नाउ फिफ्थ मॉडिफिकेशन है विंग्स। विंग्स मिलते हैं एसर माइक्रोफिलम के अंदर, जैसा कि यहाँ पर पिक्चर में दिया है कुछ विंग्स लाइक स्ट्रक्चर, वैसे ही यहाँ पर कुछ विंग्स लाइक मॉडिफिकेशन होता है जो कि डिस्पर्सल के लिए हेल्प करता है। सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्पर्सल बाय विंड। इसके अलावा हम बोल सकते हैं कि वीट सीड्स का डेंसिटी एंड टेस्ट वेट काफ़ी कम होता है। इसके अलावा कुछ वीट सीड्स एंड फ्रूट्स का वेट इतना लाइट होता है कि वो बिना किसी स्पेशल मॉडिफिकेशन के भी एयर में फ्लोट कर सकता है। नाउ सेकंड है डिस्पर्सल बाय वाटर। एक्वेटिक वीट्स जनरली डिस्पर्स करते हैं वाटर के थ्रू। वाटर करंट्स होल प्लांट, प्लांट फ्रेगमेंट्स और वीट सीड्स को ड्रिफ्ट करते हैं, जिसकी वजह से वीट सीड्स का डिस्पर्सल होता है। इसके अलावा कुछ टेरेस्ट्रियल फार्म वीट्स भी होती हैं जिनका डिस्पर्सल वाटर के थ्रू होता है, मींस इरिगेशन एंड ड्रेनेज चैनल के थ्रू, मींस ड्रेनेज एंड इरिगेशन के थ्रू ये स्ट्रीम्स में फ्लो होकर न्यू फील्ड में चली जाती हैं और इससे इनका डिस्पर्सल होता है। नाउ थर्ड है डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। जैसा कि यहाँ पर बताया है, बहुत से वीट्स होते हैं जिनके फ्रूट्स एंड सीड्स को बर्ड्स एंड एनिमल्स खाते हैं। सो ये एनिमल के डाइजेशन मैकेनिज्म पर डिपेंड करता है एंड वीट की स्पीशीज पर डिपेंड करता है कि ये वीट्स इंजेस्ट होने के बाद कितने टाइम तक वायबल है और इनका जर्मिनेशन परसेंटेज कितना है, और ये एक्सक्रीटा के थ्रू अगेन सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, और ये जर्मिनेशन परसेंटेज वैरी करता है 0.2 to 9.6%। इस मैकेनिज्म को हम बोलते हैं एंडोजूकोरी। इसके बाद यहाँ पे बताया है कि कुछ फार्म एनिमल्स वीट सीड्स या फ्रूट्स को अपनी स्किन से हेयर्स या फिर हूव्स के थ्रू वन प्लेस टू अनादर प्लेस मूव कर देते हैं, जिसकी वजह से इनका डिस्पर्सल होता है। और ये पॉसिबल होता है कुछ स्पेशल अपेंडिजेस के प्रेजेंट होने की वजह से, जैसे कि हुक्स। ये प्रेजेंट होते हैं ज़ैंथियम स्ट्रूमेरियम के अंदर। इसके अलावा स्टिफ हेयर्स प्रेजेंट होते हैं सेंचुरस स्पीशीज़ के अंदर। शार्प स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं
ट्यूब्यूलस टेरेस्टेरिस। स्कैरियस ब्रेक्ट्स प्रेजेंट होते हैं एकाइरेंथस एस्पेरा के अंदर एंड कुछ स्टिकी ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं बोहेरहेरिया रैपिस के अंदर। इसके अलावा कुछ ऐसी बर्ड्स होती हैं जो कि वीट फ्रूट्स को एंड सीड्स को अपने विंग्स फीट एंड बीक से अनदर प्लेस पर ड्रॉप कर देती हैं जिससे वीट सीड्स का डिस्पर्जल होता है। एंड यहाँ पर एग्जांपल दिया है कि लेंटेना सीड्स का पर्टिकुलरली डिसेमिनेशन होता है कुछ टू स्पीशीज ऑफ बर्ड से जिनका नाम है इंडियन माइना एंड चाइनीज टर्टल डव। नाउ नेक्स्ट है डिस्पर्जल बाय मैन। सो मैन की कुछ केयरलेस एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से वीट सीड का डिस्पर्जल होता है जैसे कि फार्म मशीनरी की वजह से। जब फार्म मशीनरी की प्रॉपर क्लीनिंग नहीं होती है और ये वीट सीड्स को कैरी करके एक फील्ड से दूसरे फील्ड में डिस्पर्स कर देते हैं। इसके अलावा कुछ वीट सीड्स एंड फ्रूट्स कार की व्हील से ऑटोमोबाइल्स एंड इवन एरोप्लेन से भी डिस्पर्स होते हैं। इसके अलावा कुछ वीट्स एक्सीडेंटली भी वन कंट्री टू अनदर कंट्री डिस्पर्स हो जाती हैं और ये स्पेशली ह्यूमंस की वजह से होता है। जैसे कि कुछ एक्जोटिक वीट्स हैं जो कि अदर कंट्री से इंडिया के अंदर ट्रेवल होके आ गई है। नाउ द लास्ट इज डिस्पर्जल बाय मैन्योर्स एंड सीलेज। फार्म यार्ड मैन्योर एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है डिसेमिनेशन ऑफ वीट्स का। जैसा कि हम जानते हैं बहुत से वायबल सीड्स होते हैं जो कि फार्म एनिमल्स के डंग में प्रेजेंट होते हैं और वो डंग से जब फार्म यार्ड मैन्योर प्रिपेयर होता है तो उससे इनका डिसेमिनेशन हो जाता है। इसके अलावा कुछ वीट्स का डायरेक्ट एडिशन हो जाता है कंपोस्ट पीट्स में एज अ फार्म वेस्ट के थ्रू, जबकि कंपोस्ट पीट के अंदर कुछ ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड एसिडिटिक कंडीशन में भी ये सीड्स जैसे कि एग्जांपल दिया है कॉनवोल्व्यूलस अरवेंसिस का, इनकी वायबिलिटी 4% फर्स्ट मंथ ऑफ कंपोस्टिंग तक एक्सटेंड रहती है एंड 1 month तक बाद भी इनका जर्मिनेशन परसेंट 1% तक रहता है। सो इसी के थ्रू यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि डिस्पर्जल हो रहा है। सो दिस लेक्चर इज ओवर नाउ। इस लेक्चर में हमने पढ़ा था प्रोपगेशन एंड डिस्पर्जल ऑफ वीट्स। यहाँ पर हमने डिस्पर्जल बाय वीट्स के कुछ मॉडिफिकेशंस पढ़े थे जो कि एग्जाम पर्पस से इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा हमने जो वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल्स में एग्जाम्पल्स पढ़े हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। सो नाउ मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम वीड कंट्रोल एंड वीड मैनेजमेंट पढ़ेंगे। एंड फ्रेंड्स, वीडियो देखने के बाद गो एग्रो ऐप को डाउनलोड करना ना भूले। गो एग्रो ऐप पर आपको BSc एग्रीकल्चर के सेमेस्टर वाइज नोट्स के PDF मिल जाएंगे। सो डाउनलोड दिस ऐप एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।